नमस्ते, मेरा नाम कृति है और मैं बिहारी हूँ। सो फ्रेंड्स, आजकल ना ये डायलॉग बहुत वायरल और ट्रेंडी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने ब्लॉग में, बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही, तो ये डायलॉग बोला जाए, कहीं इसके वजह से मैं वायरल हो जाऊँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आयु ब्रश कर रहा है और आज है संडे, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री है कि चलो आयु को स्कूल नहीं जाना है, तो मैंने सोचा कि पहले झाड़ू कर लिया जाए। और झाड़ू करते करते मैं ना संडे को पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आयु रहता है घर में। आयु का क्या है ना, पोछा लगा और साथ साथ कहीं चलता है वो लड़का, जब साथ साथ में वो चलेगा तो पोछा भी गंदा हो जाता है, वो गिर भी जाता है, तो मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, अच्छे से डस्टिंग करके और सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ। हाँ, अगर आयु के पापा रहे तो आयु के पापा पोछा भी लगा देते हैं। और पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली, क्योंकि अब भी संडे है तो आज स्कूल भेजने का उतना ये है नहीं, तो मैं नहा ली। नहाने के बाद करूंगी पूजा, पूजा भी मैं झटपट से कर लेती हूँ बिल्कुल। लेकिन हाँ, मुझे अब ना थोड़ा टाइम चाहिए पूजा के लिए, मेरा कुछ माइंडसेट चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो पूजा भी एक प्रॉपर टाइम देके किया जाए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। आयु के पापा आज अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी चले गए थे, मतलब 3 बजे के करीब वो ड्यूटी निकल गए थे, तो 3 बजे का कॉल था उनका, इसलिए वो 3 बजे चले गए थे। और अब मैं क्या करूंगी, पूजा करने का सीधा जाऊंगी, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में चलिए देखते हैं क्या बनाया जाए आज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा के बाद मैं सोची थोड़ा सा हो जाती हूँ रेडी, मतलब लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आया, पहले चढ़ाया अपने लिए चाय। वैसे चाय बनाना सबसे बोरिंग काम है, पर चलो कोई नहीं, सर दर्द होने लगता तो बना लेते हैं चाय। फिर मैंने सोचा चाय बना के और फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, क्योंकि आयु भी नहा लिया था, मैं भी नहा ली थी, कुछ तो खाना था। फिर मैंने बनाया पनीर का भुर्जी और रोटी, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और आयु पता नहीं खाएगा कि नहीं, क्योंकि जब उसका मन रहता है कुछ खाने का खा लेता है, और नहीं मन रहता तो वो कितना भी अच्छा कुछ बना लो वो नहीं खाता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पनीर का भुर्जी और रोटी, और कराते हैं आयु को भी नाश्ता और खुद भी करते हैं। और फिर आज संडे है तो चलेंगे मामा मामी के घर पे, मिलेंगे उन लोग से, बगल में ही है। वैसे जाना तो रोज ही होता है, पर आज संडे तो मामा लोग से भी मिलना हो जाता है। और यहाँ पे मैं आयु को खिला रही, उसको खिलाना सबसे टफ काम है, सबसे टफ काम। पर चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, और मैंने किया गेट को लॉक, और अब मैं जा रही हूँ मामा के घर पे। तो ये आयु को देखो मस्ती, और ये जाते ही इसको बाहर इसकी मिल गई मौसी, जो कहीं जा रही थी, और ये फटाफट उनके साथ ही निकल गया। और आज था संडे, और संडे को ना वो कुछ था फेस्टिवल, मैं तो नहीं करती पर मामी लोग करती है मेरी, तो मुझे ना सिंदूर भी लगवाना था, सिंदूर लगवाया। और ये बिहारी में ऐसे पूरा नाक से सिंदूर लगता है। और लौटने के समय मैंने ले लिया छाछ, क्योंकि बनाना है कढ़ी चावल। हाँ, तो आयु के पापा आ जाएंगे 3:30 तक, तो वो ब्रेक लंच करेंगे वो। तो मैंने ना आके फटाफट से बर्तन साफ किया, जो नाश्ता का बर्तन था, और फिर मैंने बनाया कढ़ी चावल। कढ़ी चावल ना मैं ना प्याज का पकौड़ा डालती हूँ, ऐसे सिंपल पकौड़ा डालती थी पहले, पर अब मैं प्याज का पकौड़ा डालती हूँ, वो टेस्ट लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे उनके लैंग्वेज बोला जाए तो बहुत स्वाद बना है। तो चलिए फटाफट से कढ़ी चावल बना के, और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि बालकनी में कपड़ा सूख गया होगा तो मैं कपड़ा ला के फोल्ड कर लूँगी, और फिर वेट करूंगी आयु के पापा का, आएंगे तो फिर साथ में हम लोग करेंगे लंच। तो यहाँ फटाफट से काम सारा हो रहा है, और जितना स्पीड दिखता है उतना स्पीड होता नहीं है ये लेकिन चलो काम है तो जल्दी। और इतने में ना आयु भी आ गया था, ये देखो मेरी सिस्टर लेके आई थी उसको, और ये आके पागलपंती कर रही थी। फिर चलिए हम लोग बना लेते हैं फटाफट से लंच, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट कढ़ी रेडी हो गया था, और मैं अब जल्दी जल्दी बना लूँगी पकौड़ा, और आयु को कराऊंगी थोड़ा खाना वाना, आयु को भी खिला के, और फिर उसको देखूंगी, अगर सोता है तो सुलाऊंगी, नहीं तो अपना काम करूंगी। लेकिन आयु सोया नहीं, तो मैं आ गई बालकनी में और कपड़ा सारा उतार ली, क्योंकि कपड़ा उतार के फोल्ड करके सही जगह पर लगाना भी बहुत बड़ा काम है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर कर लेती हूँ कभी कभी जब आयु के पापा ऑफिस रहते, मतलब ड्यूटी पे रहते हैं, तो नहीं तो ऐसे आयु के पापा ये सारा काम कर देते हैं, टेंशन फ्री रहती हूँ मैं इन सारे कामों से। फिर फटाफट से मैंने कपड़ा को किया फोल्ड, और जो कुछ कपड़े को इधर उधर जहाँ रखना था वहाँ रखा, और मेरा ना कबर्ड भी बहुत मैसी हो गया, तो मुझे ना आज या कल में वो भी ठीक करना है। फिर मैंने आयु को कोशिश किया कि थोड़ा पढ़ा लूँ, पर ये नहीं पढ़ता मुझसे, इसको पढ़ाने बैठाओ ना तो ये कभी कहेगा मम्मी इरेजर, मम्मी ये, मम्मी वो, स्टिकर, ऐसा करके टाइम पास कर देता, और मेरे में इतना पेशेंस बचता नहीं कि मैं इसको पढ़ाऊँ। और ये पूरे बुक पे पेंसिल से पता नहीं क्या क्या लिख दिया था घस घस के। फिर मैंने सबको साफ किया, और फिर मैं पढ़ाने का कोशिश की, लेकिन नहीं, ये नहीं पढ़ा। और फिर थोड़ी देर बाद इसने देखा टीवी, और टीवी देखते देखते 3 बज गया था, हाँ शाम का 3 बज गया था, और आयु के पापा भी ऑफिस से आ चुके थे, आते ही उन्होंने
वो लेने गए सावर, क्योंकि बाहर जाने के बाद बिना सावर के वो कुछ भी नहीं करते हैं। पहले उन्होंने लिया सावर, फिर हमने अपना निकाला लंच, जो कि टेस्टी बना हुआ था, हल्का स्पाइसी था पर टेस्टी था। लंच करने के बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर मैच देख लिया जाए, जिस दिन मैच नहीं रहता हम देखते हैं मूवी कोई अच्छा सा, पर अभी मैच चल रहा था तो चलो मैच देखा जाए। और यहाँ पर आई हूँ ना, बिल्कुल परेशान कर दिया था, घूमने जाना। फिर उसकी नानी आ गई थी, उतने में वो लेके चली गई घुमाने, क्योंकि संडे था, मामा भी घर में थे तो मामा मामी कहीं जा रहे थे तो वो लेके चले गए। और फिर शाम को मैं थोड़ा सो के उठी ना, तो हल्का हल्का भूख लग रहा था, तो मैं लेके आई समोसा और जलेबी, तो फटाफट से खाते समोसा जलेबी। और शाम हो गया, तो शाम में थोड़ा, अगर आयू के पापा रहते तो मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, मंदिर का मैंने सूट नहीं किया। अभी मैं गई थी मंदिर, मंदिर से निकलने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग किया, मतलब अगल बगल ही घूम के आई, अच्छा लगता है शाम में थोड़ा वॉकिंग कर लो तो फ्रेश हो जाता है बिल्कुल सब कुछ। और आने के बाद मैंने किया आयु के लिए डिनर का तैयारी, क्योंकि आयु को जल्दी सुलाना ज़रूरी होता है, पर पता नहीं वो सोता ही नहीं है जल्दी, कितना भी जल्दी कर लो। पर आयु ना अभी खा के थोड़ी देर बाद सो गया था, ये तो था, क्योंकि वो सुबह जो जगता है फिर दिन में नहीं सोता तो रात को जल्दी सोता है वो। फिर आयु ना खा लिया, उसके बाद हम लोग अपने लंच का तैयारी, सॉरी अपने डिनर का तैयारी करने लग गए थे। फिर बिल्कुल सिंपल सा परवल का भुजिया रोटी बनाया। और फ्रेंड्स इसके बाद ना मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, किचन विचन साफ़ किया कि वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल आपको कितना दिखाऊं दिन भर काम किया किचन साफ़ किया। तो फ्रेंड्स ये बहुत दिन बाद मैंने एक ब्लॉग फिर से शूट किया है, फिर से शुरू किया है। और मैंने अंदर एकदम अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं 30 डे लगातार ब्लॉग डालूंगी लगातार। अगर मेरे फॉलोअर्स में कुछ भी, सॉरी सब्सक्राइबर में कुछ भी थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी। क्योंकि पता है आप कंटिन्यूस कोई काम करो और उसमें ना फिर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखता तो अच्छा नहीं लगता, करने का मन भी नहीं करता। और मेरा पुराना वाला जो फ़ोन था ना उसका कैमरा भी उतना अच्छा नहीं था, अच्छा तो था पर उतना अच्छा नहीं था। मैंने अभी रिसेंटली अपना फ़ोन भी चेंज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप ना सजेशन भी देना मुझे कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, और रोज मेरा ब्लॉग आपको दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच में जरूर देखने को मिलेगा। गुड बाय।